एवरीवन, मैं हूं महकृपा कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आई गॉट के हमें जो है अच्छा सा शैम्पू बताएं जो हम यूज करें तो हमारे बाल जो है बहुत अच्छे हो जाए, मतलब आपकी तरह हो जाए। आई नो यू ऑल लव माई हेयर, सो यस, आज मैं आपके साथ जो है बहुत अच्छे अफोर्डेबल और बेहतरीन शैम्पू जो है शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, उन्हीं का रिव्यू जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सेवन हर्बल्स के ये जो है मेरे पास कुछ शैम्पूज हैं जो कि बड़े ही ज़बरदस्त हैं और हर रेंज में हर एक के लिए जो है यहाँ पर आपको रेंज दी हुई है, तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे और इसी का जो है हम रिव्यू करेंगे। सो यस, आज की मेरी वीडियो में आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जो है शैम्पूस का रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं, मेरे पास जो है सेवन हर्बल्स के तीन शैम्पू हैं। एक मेरे पास जो है वो हेयर फॉल और रीग्रोथ का शैम्पू है, ये जो है सेवन प्रॉब्लम्स और वन सॉल्यूशन ब्लैक शैम्पू है। इसके बाद मेरे पास जो है ये डीप शाइनिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए शैम्पू है। और थर्ड मेरे पास जो शैम्पू है वो है ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो लोग जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए ये शैम्पू है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस सेवन हर्बल के ये जैतून प्लस शैम्पू के बारे में। अच्छा, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज और बहुत ज्यादा शाइनी हेयर्स चाहिए होते हैं तो वो ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये प्योर हर्बल शैम्पू है, कोई इसमें केमिकलाइज प्रोडक्ट नहीं है, आपको यूज करने के बाद कोई इचिंग या कोई जो है एलर्जी वगैरह नहीं होगी। बहुत ज्यादा इसकी सूथिंग खुशबू है और जो है ये बहुत अच्छे से आपके बालों पे काम करता है। और ये सारे शैम्पू जो है विद कंडीशनर्स हैं। वो लोग जो शैम्पू अलग इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर अलग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि कंडीशनर सिर्फ इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो अगर आपको एक ही प्राइस में यानी कि शैम्पू के साथ कंडीशनर मिल रहा है तो आपको जो है बेस्ट डील ये मिलती है। तो आपने जब भी कोई शैम्पू यूज करना है तो वो शैम्पू और कंडीशनर के साथ यूज करना है। सो इन सेवन हर्बल्स के शैम्पू की खास बात यह है कि ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, तो विच इज वेरी गुड। और ये जो डीप शाइनर विद ऑलिव्स, ये जैतून प्लस जो शैम्पू है, ये सिर्फ आपके बालों को डीप शाइन नहीं करता है बल्कि आपके बालों में जो है बाल्डनेस का कोई इशू है या हेयर फॉल या जो भी इशू है तो ये मल्टीपल इशूज के ऊपर काम करता है। बट मेन इसका जो टारगेट है वो शाइनी हेयर के लिए, वो लोग जो बहुत ज्यादा यू नो दे लाइक शाइनी हेयर्स और बहुत ज्यादा स्ट्रेट हेयर्स उनको अच्छे लगते हैं, शाइनी हेयर्स अच्छे लगते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे तो आपका हो सकता है कि कर्ली हेयर्स पर भी जो है थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग आ जाए और आपके बाल जो है रहते रहते स्ट्रेटनिंग की भी तरफ चले जाएं। पीछे की तरफ जो है सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है और वो क्या क्या काम करते हैं वो भी सारी चीजें मेंशन है। इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें विटामिन ई भी शामिल किया गया है जो कि आपकी हेयर के एज के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा जो है आपके बालों को यंग रखता है। विटामिन ई जो है आपके बालों में शाइन भी देता है और उसको जो है मजबूत भी करता है। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा यू नो डाई हार्ड फैन है शाइनी हेयर के लिए और जो है मॉइस्चराइज हेयर के लिए, वेवीनेस के लिए, तो उनके लिए ये शैम्पू बहुत बेहतरीन रहेगा, तो वो जो है ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग जो है बहुत ज्यादा बेसिक पैकेजिंग है, कोई एज सच नॉट सो हैपनिंग नहीं है, बट इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने इसको इन सारे शैम्पूज को इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि दोज आर वेरी गुड शैम्पूज। उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ज्यादा सूथिंग और रिफ्रेशिंग खुशबू है, तो आपको जो है इसकी खुशबू से भी जो है ज्यादा कुछ एलर्जी या इरिटेशन वाला सीन नहीं होगा। सो यस, दिस शैम्पू इज मोस्ट रिकमेंडेड टू दोज हु वांट शाइनी एंड सिल्की हेयर्स जस्ट लाइक मी। दूसरा जो मेरे पास शैम्पू है वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, यानी कि वो लोग जिनके सर पे खुश्की का बड़ा मसला रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खुश्की आपको अगर होती है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो आपके जो है वाइट बाल जो है आपके होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि खुश्की की वजह से जो है आपके सर पर लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो वो आपके स्काल्प के अंदर नहीं जा पाती, आपकी खुश्की ने जो है आपके स्काल्प को ब्लॉक किया हुआ होता है, तो इसलिए जड़ों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। तो डैंड्रफ अगर आपकी है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप जो है उस डैंड्रफ को रिमूव कर सको और फिर उसके बाद जो है आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी यू नो आपकी जड़ों तक जा सके, उसके लिए जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो ये सेवन हर्बल का जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटी डैंड्रफ ही है, सिर्फ डैंड्रफ ही साफ करता है, नहीं, ये भी आपके बालों में जो है बहुत अच्छी शाइन लेके आता है, बहुत अच्छा जो है सिल्की सिल्की स्मूथ से आपके बाल कर देता है। और आपके बाल वो उस तरह के बाल होते हैं ना जो बहुत ज्यादा रफ बाल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बम फट गया है और बहुत ज्यादा ड्राई बाल है,
तो उसके लिए भी जो है ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है। आप जो है ये शैम्पू यूज करो तो आपके बाल जो है बहुत अच्छे जो है सिल्की शाइन और क्लीन हो जाएंगे। क्लीन से मुराद कि आपकी डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी और जो है ऑयली स्काल्प जिसमें जो है बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है स्काल्प में, तो वो भी जो है ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयली स्काल्प के लिए भी ये वाला शैम्पू बड़ा ही मुफीद है। पीछे जो है इंग्रेडिएंट भी मेंशन है, इसमें जो है आपको आंवला दिया हुआ है, सीकाकाई दिया हुआ है, आलमंड ऑयल दिया हुआ है, कोकोनट ऑयल है, नहीं कोकोनट है, कोकोनट है, रीठा है, इसके अलावा जो है सरसों का तेल भी इसमें शामिल है और ऑलिव ऑयल शामिल है। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट मिलके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपने जो है ये शैम्पू यूज करना है तो वल्लाह इसकी खुशबू जो है बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा सूथिंग है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। सो यस, आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आएगा। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर दोज हु हैव डैंड्रफ वाला सेल। अच्छा, लास्ट शैम्पू जो है मेरे पास वो मेरा मोस्ट फेवरेट शैम्पू है और वो है ये सेवन हर्बल का ब्लैक लाइन शैम्पू। ये सेवन प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन है। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट जो है 250 ml की ये बॉटल में आते हैं। और अच्छा, एक बात बता दूं कि ये जो शैम्पू है ना, ये वो उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, जस्ट लाइक मी, क्योंकि एज यू ऑल नो मेरे जो है बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो मेरे बालों में जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और सिर्फ मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का होगा। तो ये जो है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। मैं अमेज हूँ कि मैंने जो है एक बार ही इसको इस्तेमाल किया तो जो है मेरे बाल का जो हेयर फॉल था वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ, लाइक बहुत ज्यादा कम मेरे बाल गिरे और ड्राई होने के बाद भी जब मैंने बनाए तो मेरे बाल इतने नहीं गिरे। और एक कमाल की बात और है कि ये जो है रीग्रोथ आपके बाल को करता है। कोई भी शैम्पू आपके बालों की रीग्रोथ अच्छी नहीं करता है, वो बस क्लेम करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है रीग्रोथ अच्छा करता है नहीं। जब भी कोई शैम्पू हम यूज करते हैं तो जो है धोने के बाद बिल्कुल हमारे बाल पिचके हुए से हो जाते हैं, बिल्कुल यू नो गिरे हुए से और बहुत पतले से लगते हैं, लेकिन जब मैंने इससे वॉश किए थे बाल जो है मेरे बाल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, मेरे बाल बहुत ज्यादा क्लीन हो गए और मेरे बाल उतरे नहीं और मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। मैंने जब से इसको इस्तेमाल किया है उसके बाद हार्डली मेरे बाल जो है उतरे होंगे। वो लोग जिनके हेयर फॉल का मसला है और वो लोग जो पागलों की तरह एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिससे उनके हेयर फॉल कंट्रोल हो और जिनके बालों की ग्रोथ हो, लाइक हेयर ग्रोथ बढ़े, तो ये शैम्पू जो है बड़ा बेहतरीन है। इसके पीछे भी जो है आप देखेंगे तो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट बड़े बेहतरीन है कि जो है सारे मसलों पर ये वाला शैम्पू काम करता है। आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके रीग्रोथ बाल होंगे, आपका डैंड्रफ, शाइनी हेयर और वॉल्यूमाइज हेयर, आपके बालों में जो वॉल्यूम आएगा इस शैम्पू को यूज करने के बाद वो बहुत ही अमेजिंग होगा। सो दैट्स वाई दिस शैम्पू इज सबसे ज्यादा फेवरेट इन तीनों में से। ये तीनों शैम्पू जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन है। सो इन तीनों को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा शैम्पू सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। सो यस, दैट्स महकरूब आपका दी सिंगल ऑफ्री और दुआ में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां मैसेज करके पूछ लीजिएगा तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। सो या दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।